यादव जी और साथ ही साथ हमारे बीच में बच्चे हमारे वरिष्ठ मान्य साथी पूर्व में डाक प्रमुख और डाक प्रमुख संघ के अध्यक्ष रहे प्रदेश के भाई संजय गुप्ता जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी नेता जो पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं भाई कलामुद्दीन जी, साथ में चल रहे हमारे परम सम्मानित साथी भाई चंदीप यादव जी, साथ ही साथ यहाँ पर जोहली के सम्मानित ग्राम प्रधान भाई जंगली कुशवाहा जी, नौजवान साथी भाई दिनेश कुमार जी, संचालन कर रहे आयोजक मंडल के प्रमुख साथी जो पूर्व में कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे भाई खुशी आलम जी, जनरल विष्णुपुरा के सम्मानित ग्राम प्रधान भाई कपिल देव गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही नौजवान साथी भाई मोहम्मद रिजवान जी, मां नाता कुशवाहा जी, अशोक रजक जी, मोहम्मद यूसुफ अली जी, नथू रजक जी, गुरदयाल कुशवाहा जी, प्रताप घोष जी, इसके साथ ही साथ हमारे नौजवान साथी भाई गुरु कुशवाहा जी, गुरुनाथ कुशवाहा जी, राजकुमार जी, नंदकिशोर रजक जी, बजिस्टर चौधरी जी, अवधेश कुशवाहा बीडी जी सोनपुर, डॉक्टर रामेश्वर कुशवाहा जी, शंभू कुशवाहा जी, मोहनलाल मधेसिया जी, धर्मेंद्र मंडल जी, अनिल कुशवाहा जी, अक्षर अंसारी जी, शंभू मधेसिया जी, हरिंदर मधेसिया जी, सुनील कुशवाहा जी, मंजूर अहमद जी, सूरज कुशवाहा जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ भाई विक्रम आर्या जी, और आप यहाँ पर भाई राजेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के नेता थे उनके नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर के समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने वाले हमारे नौजवान साथी भाई अशोक रजक जी, नंद किशोर बेटा जी, रजिस्टर बेटा जी, मथुर रजक जी, मुनीर अंसारी जी, इन सभी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, सम्मानित भाई, हमें खुशी है कि जंगल विष्णुपुरा के ग्राम प्रधान भाई कपिल देव गुप्ता जी, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका अदा करते थे, आज वो भी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई हरिलाल यादव जी उनका माल्यार्पण करके समाजवादी पार्टी की ओर से स्वागत कर रहे हैं। मैं भी उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, पहले आप पड़ोसी थे, अब आप परिवार में शामिल हो गए। क्योंकि पहले मैं आपके बगल में कोरोना से विधायक होता था, अभी भी विधायक हूं कोरोना का, 10 मार्च तक अभी भी कोरोना का विधायक हूं, 10 मार्च से 10 मार्च के बाद से आपका विधायक हो जाऊंगा। अभी जब मैं आपके गांव में आ रहा था तो कोरोना की
कोरोना की हद को डांट नहीं आया, बीच में भागा प्रकाशी था, भागा प्रकाशी कोरोना में अदबोली पाली नगर करके, और उसके बाद से काट दिया। यानी हमारे लिए पौड़ा और पालीनगर में कोई अंतर काट देना नहीं है। पकड़ रहा ना कि ये उधर ना उधर। पहले भी कभी कभी जब पौड़ा आता तो दुबोली होगी जाना पड़ता, कई बार दुबोली होके मैं इधर से बात भी होता था। तो साथियों इसलिए आपको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन की एक बयार बह रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार से आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो भी वादा किया था हर वादा का खिलाफी किया। आपको याद होगा पिछली मतबार नौजवानों ने झूम करके इनका साथ दिया। इन्होंने 75 लाख नौकरी 5 साल के अंदर देने का वादा किया। तो 75 लाख नौकरी तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। नौजवानों को नौकरी तो मिली नहीं, नौकरी के नाम पर अलबत्ते नौजवानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। यहां योगी सरकार में कोई भी नौकरी की परीक्षा आकर साबित हुई ही नहीं। या तो पर्चा लीक आउट हो गया या भर्ती भ्रष्टाचार की बंदिश चल गई। अब अगर हुई भी तो अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने का दे, सारी कुर्सियों पर इन्होंने अपने लोगों को चक्के बच्चे को बैठा दिया। एक उदाहरण देता हूं, पिछले साल 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई जिसमें अनुसूचित जात जनजाति के 6,000 आरक्षित पदों पर, जिसमें अनुसूचित जात जनजाति के अभ्यर्थी चयनित किए थे उनको उनके भी स्थान पर इन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया। 70,000 में से 19,000 पिछड़ों के लिए जो आरक्षित पद थे जिस पर पिछली जाति के लोग चयनित किए थे उसमें पिछड़े अभ्यर्थियों को चयन पत्र देकर के उन 19,000 पदों पर भी इन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया। लंबे अर्से तक धरना प्रदर्शन आंदोलन में भी पीड़ित ने किया। हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री बदलाव डाला। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने भी मुख्यमंत्री को गलती सुधारने के लिए आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने गलती स्वीकारी भी लेकिन एक भी भर्ती दलितों और पिछड़ों की नहीं की। इसी प्रकार बिना विज्ञापन निकाले बिना किसी आवेदन पत्र मांगे सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों मेडिकल कॉलेजों में पिछले 8 महीने से प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीडर एसोसिएट प्रोफेसर प्रवक्ता सभी पदों पर केवल सामान्य वर्ग के लोगों को भर रहे हैं। एक भी अनुसूचित जाति नहीं, एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं, एक भी पिछड़ी जाति नहीं। यानी वोट लेने के लिए ये हिंदू कारोबार होते हैं, हिंदू की दुहाई देते हैं और सत्ता में आने के बाद जो इनको वोट देता है ये उसी का सर कलम कर देते हैं। यानी चुनाव है या वैसे करा देगा।
को कहा था और चुनाव आएगा तो नारा देंगे 80-20 का। मतलब कहने के लिए नारा देंगे सब कहा था और जब चुनाव आएगा तो नारा देंगे 80-20 का। 80-20 हिंदू मुसलमान का। लेकिन आपके मतदान नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या 25% दलित हिंदू नहीं है क्या? अगर आप उसको हिंदू मानते तो उसके आर्थिक लोगों पर आप अपने जात रवि के लोगों को फट नहीं देते। पिछड़ी जात के लोग क्या हिंदू नहीं है क्या? आपकी नजर में अगर वो हिंदू होते तो उनके 19,000 आर्थिक लोगों पर आप अपनी जाति के लोगों की भक्ति नहीं किए होते। इसका मतलब है आप दलितों और पिछड़ों को हिंदू मानते ही नहीं, वोट देने के लिए केवल हिंदू कहते हो और जो सत्ता में आता है तो ये खरपतवार हो जाते हैं, कूड़ा करकट हो जाते हैं, रद्दी का माल हो जाते हैं, गरीब और पिछड़ा आपकी आंखों में पसंद नहीं आते हैं। और अगर 25% दलित 55% पिछड़ा अगर हिंदू नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री जी केवल आपकी गांधी हिंदू है क्या? क्या आपकी गांधी केवल हिंदू है क्या? इसलिए गरीबों और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए 80-20 के नारे को खत्म करने के लिए हमने नारा दिया। अब तुम्हारा 80-20 नहीं चलेगा बल्कि ना 85 और 15 का चलेगा। और हमने नारा दिया, हमने नारा दिया, हमने नारा दिया 85 तो हमारा है, 15 में भी निकला है। आप तमाम जात के लोग भी समाजवादी पार्टी साफ करें, उसमें भी कुछ ईमानदार लोग होते हैं, कुछ विचार की लड़ाई करते हैं। और यही नहीं, 20 क्यों तो हिंदू 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 को केवल नारायण जी देते जिससे कि तुमको वोट मिल जाए, और रहने के बाद उन सबको आप दफाने की कोशिश करते हो। और 20 का नारा कहां से आ गया? योगी जी और मोदी जी आपके बाप दादा पृथक पारादी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं, इस देश की आजादी की लड़ाई में जो बहुत लड़ रहा था उसमें आजादी की लड़ाई लड़ने वाले वीर रणबांकुरों में से अगर फांसी के तख्ते को भागते हुए चूमा था सरदार भगत सिंह और रामप्रसाद कृष्ण, तो उन्हीं के बगल में अशफाक उल्लाह खान ने भी इस देश के आजादी के लिए फांसी के तख्ते को चूमा। इसका मतलब आज तुम जिन लोगों ने देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दी उनकी संतानों को देश निकाला का प्रमाण सुनाते हो, उनके साथ सौतरा व्यवहार करते हो, ये बेमानी नहीं करेगी। इसीलिए मैंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था कि अब योगी सरकार की कटिया कड़ी विधवा गोल स्वामी प्रसाद मौर्य करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, इसलिए साथियों समाजवादी पार्टी घरों में कहा मैं उससे मंत्रिमंडल और सरकार को लाभ मांगता हूं,
तुम्हारे कारण आ रहा। 80-20 के लड़ा भाई मचारे का कत्लेआम कारण आ रहा। आप जानते हैं हमारी संस्कृति है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने आपस में भाई भाई। जब हिंदुओं के यहां ये लोग होली और दिवाली होती है तो मुस्लिम समाज के लोग आते हैं गले मिलते हैं गुजिया भी खाते हैं और जब मुसलमानों के यहां ईद और बकरीद होती है तो हिंदू समाज के लोग जाकर के वहां उनसे गले मिलते हैं और सेवैयां खाते हैं। यह त्यौहार होता है यह हिंदू मुस्लिम तहजीब है यह हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। और भाजपा के लोग ये तो ऐसे राजनीति के भूखे भेड़िए हैं जो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर भाईचारे का कत्लेआम कर हिंदू मुसलमानों के बीच में खून खराबा कराकर हिंदू मुसलमानों की लाश पर अपनी राजनीति वोट बिछाने की कोशिश करते हैं। इनके नाकाम यादों को कितना चूर करना है और उत्तर प्रदेश की सर्जरी से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है ये मैं आपसे कह रहा हूं। इन साथियों आज दुगोली बाजार की स्थिति में मैं यहां पर फिर अगर आप चाहते हो भारतीय संविधान सुरक्षित रहे दलितों का हक न मारा जाए पिछड़ों के आश्रय पर डकैती न डाली जाए अकलियत भी महफूज रहे समाज और राष्ट्र भाईचारा बना रहे आज इनकी गलती इतनी जो व्यापारी तो वही के कल्याण कर रहा है भूखमरी के दौर से गुजर रहा है यहां तक कि कहीं कहीं आज हत्या भी कर रहा है उनके भी समान की हत्या हो सके वही आंदोलन करके साइकिल के सामने अपने दबा करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ योगी सरकार का सुपड़ा साथ है। आज 5 चरणों में चुनाव हो चुका है 6वें चरण का चुनाव आपके विधानसभा क्षेत्र में 3 मार्च को होगा। आज है 28 फरवरी क्या होगा पहली मार्च प्रचार का अंतिम दिन इनको अपनी हार का एहसास हो गया। 5 चरणों में चुनाव हुआ है उन 5 चरणों में योगी सरकार का सुपड़ा साफ हो गया है। 7वां चरण योगी के मठ के इर्द-गिर्द में है और 7वां चरण मोदी के इर्द-गिर्द में है। अब तैयारी है मोदी और योगी के गले में घेर करके मोदी और योगी को पटकनी करने की तैयारी है। इसीलिए मैंने ताड़ रखा कि इन पागलों का इलाज केवल स्वामी प्रसाद मौर्या कर सकता है। हमने पागल इसलिए कहा कि हार की आहट को समझ कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिमाग खराब हो गया कहीं कहीं कहते दिमाग फटक गया। इसीलिए एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला नेता योगी कहता है हम 10 मार्च के बाद लोगों की गर्मी उतार देंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं वो क्या कहते हैं हम नौजवानों को गोबर से रोजगार देंगे यानी नौजवानों को गोबर का कंधा पकवाने की तैयारी कर चुके हैं। नौजवान सावधान रहना गोबर का कंधा बनाना पड़ेगा क्योंकि सरकारी जितने सरकारी विभाग हैं वो तो बारी बारी भेज दे रहे हैं एयरपोर्ट रेलवे LIC
बंदरगाह, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, कोयले की खान, ये बारी बारी से अदानी और अंबानी के हाथों में बेच रहे हैं। जब सारे सरकारी विभाग बेच दिए जाएंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी कहां? इसलिए वो नौबत ना हो उसके पहले इनका बुरिया मित्र बांध करके गुजरात वापस करना है और गोरखपुर मत वापस करना है। इसलिए साथियों मैं आपसे कहने आ रहा हूं कि आज इन लोगों का दिमाग सटक गया है। इनके एक नेता है भारत सरकार के गृह मंत्री, वो उत्तर प्रदेश में साल दो साल में काम कर रहा था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से इस्तीफा दिया मंत्री पद से भाजपा के भाजपा जो है बैठक में आ गए। और इनके बड़के बड़के नेता जो साल दो साल तीन साल में एक बार ही किया आते थे, आज उत्तर प्रदेश के गली गांव सूचों में तह कर पर्चा बांटते हैं, पर्चा बांटते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का डर है और वो भी मिलने को बोलते हैं। वो कहते हैं 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में दाखिला लेगा सुन लेना क्या अच्छी बात करते हैं, 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में दाखिला लेगा हम उसको स्मार्टफोन और लैपटॉप देंगे। कहा भाई 12वीं पास करने के बाद इंटर में दाखिला लेने की गुंजाइश है क्या? इंटर में दाखिला होगा कहीं प्रभावी पर सुनने का वहां भी नहीं होता है। और एक और बात करते हैं, सीतापुर बोल रहे थे आंकड़ा बता रहे 46 लाख जानते हो हिंदी में क्या कहते हैं? 86 लाख। ऐसे ऐसे महान गणतज्ञ है, मतलब 46 और 86 में ये तो कोई अंतर नहीं है। ये पागलों की भाषा है कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूं कि पागलों को भगाना है, उत्तर प्रदेश बचाना है। इसलिए साथियों मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल, वो साइकिल जो हर बेटी के हाथ में है, हर नौजवान के हाथ में है, हर मजदूर के हाथ में है, हर किसान के हाथ में है, जनजन के हाथ में है, घर घर में है, उस साइकिल के सामने प्रयोग दबाए। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाकर अपने मान सम्मान का प्रश्न बढ़ाने का काम किया। और जब आप साइकिल का बटन दबाएंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपका विधायक बन जाएगा। अभी तो कोरोना से विधायक था, अब क्योंकि आप बटन दबाते ही आपका आशीर्वाद स्वामी प्रसाद मौर्य को मिल जाएगा। इसीलिए साथियों मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं साथियों को जिन्होंने शाम को सूचना दी गई और इस वक्त आप लोगों ने इस नंबर सभा को कामयाब बनाया। पुनः धन्यवाद।